परिषद के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र, और जिन्होंने एक माह तक प्रधानमंत्री जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से न केवल प्रयास किया है कि पूरे कार्यक्रम के में रच बसकर इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप जिन्होंने दिया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री तमिलनाडु के ही नेता श्री एल मुर्गन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने का अंदर जान डालकर प्रयास किया है, ऐसे हमारे नेता के अन्ना मुलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर बी कामाकोटी जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगम की कल्पना की पुनरावृत्ति होने जा रही है। भारत பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தொலைநோக்கு கற்பனையை தொலைநோக்கு தீர்த்த தரிசனத்தை புனிததுதான் காசி தமிழ் சங்கமம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சி. மகர் மே இத்தனை கேனா சாத்தா ஹூ கி புனாஹுதி நஹி ஹை, ஏ சுருவாத் ஹை பாரதிய சன்ஸ்கிருதி கி தோ உத்தும் சிகர் தமிழ்நாடு கி संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। क्योंकि ये प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था, उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनः जागरण का एक प्रयास किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मरबूल
பாரத தேசியம் என்கிற தொடர்புதான் ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறது. இதை நமக்கு விடுதலை கிடைத்த உடனேயே நாம் மேலும் வெளிக்கொணர்ந்து வளர்த்தி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்போது செய்ய தவறிவிட்டோம். எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி, சுதந்திரம் கிடைத்து 75 ஆண்டுகளில் இந்த அமிர்த மகோத்சவத்தை கொண்டாடுகிற தருணத்தில் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதனை கைப்பற்றிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இதை நாம் தொடர வேண்டும் என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகிறேன். भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश, अनेक प्रकार के संसार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच के बीच में संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सबके बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है. நம்முடைய கதைகள், மொழிகள், பண்பாடுகள், இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் இவை வேறு வேறாக இருந்தாலும் இவற்றுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆன்மா பாரதம் என்கிற ஆன்மாதான். அஸ்தித்வ காவர் ரச்சனா கா அபியாஸ் கர்னே வாலே பண்டித் ஹை யே கஹதே ஹை கி பூரே விஸ்வ மே सारे देश जो बने हैं जियो पॉलिटिकल कारणों से बने हैं, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जियो कल्चर देश है, सांस्कृतिक देश है और संस्कृति के आधार पर बना हुआ देश है. பூமி மற்றும் அரசியல் சார்ந்ததனால் ஏற்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு. ஆனால் நம்முடைய பாரத தேசத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஜியோ பொலிட்டிகல் அல்ல, ஜியோ கல்ச்சுரல். அதாவது அந்த நாடுகள் ஒரு நிலப்பரப்பு முழுமையாக இருக்கும். அந்த நிலப்பரப்பு ஜியோ பொலிட்டிகல், அதாவது பூமி மற்றும் அரசியல் சார்ந்ததனால் ஏற்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு. ஆனால் நம்முடைய பாரத தேசத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அல்ல, ஜியோ கல்ச்சுரல். அதாவது பண்பாட்டினால் இணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நிலப்பரப்பு என்பதை உணர்கிறோம். क्योंकि हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, इसलिए हमारी देश की एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां. நம்முடைய பண்பாட்டினால் நாம் இணைந்திருப்பதனால் நம்முடைய பண்பாட்டின் ஆதாரம் நம்முடைய ஆன்மாதான். நம்முடைய தேசத்தின் ஆன்மா நம்முடைய பண்பாட்டு தொடர்புதான். और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था. श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा. ஒரு பக்கத்தில் காசி, இன்னொரு பக்கத்தில் தமிழ்நாடு என்று இருக்கக்கூடிய இந்த பண்பாட்டை இணைப்பதற்கான மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். பல காலத்திற்கு முன்னால் எடுத்திருக்க வேண்டிய இந்த முயற்சியை அவர்கள் இப்போது முன்னின்று எடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் என்னுடைய ஆசை, இது வெறுமே வடக்கு தெற்கு என்று இருக்காமல், காசி தமிழ்நாடு என்று மாத்திரம் இருக்காமல், நாடு முழுவதும் இந்த கலாச்சாரம் ஒன்றுதான் என்கிற ஒருங்கிணைப்பு வர வேண்டும். और मित्रों, इतिहास को देखे तो दक्षिण से आकर आदि शंकर ने यहां अपनी ब्रह्म सूत्र पर की टीकाओं को काशी के विद्वानों के बीच में स्वीकृति लाई. उसके बाद में ये दोनों महान संस्कृतियों को जोड़ने का ये मोदी जी का पहला सफल प्रयास है और मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं हो सकता, यहां से ये प्रयास शुरू हो रहा है. நண்பர்களே,
ஆதி சங்கரர் தெற்கிலே இருந்து வந்து பிரம்மசூத்திரத்திற்கு பாஷ்யத்தை அதாவது அதற்கான விளக்கத்தை இந்த காசி மாநகரில் தான் எழுதினார். காசி மாநகரத்திலிருந்து இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று ஆதிசங்கரர் நினைத்ததை போல இப்போது இந்த தேசம் முழுவதையும் இணைக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு பின்னர் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மாத்திரம்தான் எண்ணியிருக்கிறார். இது தொடக்கம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். இதுவே நிறைந்து விடாது. இந்த தொடக்கத்திலே இருந்து இந்த சங்கமம், இந்த ஒருங்கிணைப்பு, இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். मित्रों, आजादी के बाद भी एक समय ऐसा आया कि देश की सांस्कृतिक एकता के बीच में जहर घोलने का प्रयास किया गया। कई प्रकार के अलग अलग विचारों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से एक ही देश के दो समाजों को विमुख करने का प्रयास किया गया, परंतु अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकती है। நம்முடைய நாட்டில் பல்வேறு வேறுபாடுகள் பல்வேறு காரணங்களால் இடம் வட்டாரம் போன்றவற்றால் இருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து இவற்றையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்கிற மிகப்பெரிய முயற்சியை பாரத பிரதமர் எடுத்திருக்கிறார். இதுதான் ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம், இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்கிற அந்த பெருமிதத்தை காட்டக்கூடிய முயற்சி. மித்ரோ காரியக்ரம் भारत के सांस्कृतिक वैविध्य के दो उत्तुंग शिखर तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर भारत में काशी विद्या का धाम, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की उत्तुंग संस्कृति के बीच में एक सेतु बनाने का काम किया है, और मैं भरोसा करता हूँ कि यहीं से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होने वाली है। काशी தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு, இந்த இரண்டையும் இணைத்து ஒரு சேதுவை அதாவது ஒரு பாலத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போது கட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த வகையில் இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இலம்பே காரியக்ரமே தமிழ்நாடு சே அதிகிருத் வியவஸ்தாமே லக்பக் 2500 தமிழ் பாய் பென் அலக் அலக் क्षेत्र में काम करने वाले आए, और अनधिकृत रूप से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से 10,000 से ज्यादा तमिल भाइयों बहनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மாத காலம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்காக பல்வேறு வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய பணிகளில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு பெருமக்கள் இங்கே வந்து இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலே 10,000-க்கும் மேற்பட்ட சான்றோர் பெருமக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு பெருமிதத்தை தருகிறது. और इसने ढेर सारी दूरियों को समाप्त करने का काम किया है, और मैं काशी वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तमिलनाडु से आए हुए हमारे तमिलनाडु के सभी भाई बहनों का 2,00,000 से ज्यादा काशीवासियों ने यहाँ उपस्थित रहकर मन से जो स्वागत किया है, आज तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। இந்த நிகழ்ச்சியில் 2,00,000-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்த தம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை மிக்க அன்போடு காசிவாசிகள் பார்த்து விருந்தினர்களாக வரவேற்று உபச்சரித்தார்கள் என்பதற்காக காசிவாசிகளுக்கு என்னுடைய உபச்சரித்தார்கள் என்பதற்காக காசிவாசிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நெஞ்சத்திலே காசி நிச்சயம் कला और अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों को उत्तर भारत के विद्या के दाम पर मंच मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत हुई भरतनाट्यम करकट्टम। जो पत्रकारों ने पूछा कि आप काशी तमिल संगमम में जा रहे हैं, मैंने बोला हाँ। उन्होंने क्या हमने टीवी पर देखा है, साइट पर देखा है, मोदी जी का प्रयास இனிய இசையோடு தொடங்கிய இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில்
தமிழ்நாட்டு கலைகளான பரதநாட்டியம், கரகாட்டம், மயிலாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, பொய்கால் குதிரை போன்றவை மிக சிறப்பாக எதிரொலித்தன. இப்போதும் அந்த அதிர்வுகள் இருந்து கொண்டே காசியின் மொத்த சூழலிலும் எதிரொலிக்கின்றன. நாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது இதழ்களை சேர்ந்தவர்கள், இதழியல்காரர்கள், பத்திரிகைக்காரர்கள் கேட்டார்கள், என்ன நீங்கள் காசி தமிழ் சங்கமத்திற்காக செல்கிறீர்கள் என்று. நான் அவர்களிடத்தில் தெரிவித்தேன், பாரத பிரதமருடைய எண்ணம், பாரத ஒருங்கிணைப்பின் ஆதாரம் எதிரொலிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று தெரிவித்தேன். मित्रों, धर्मेंद्र जी और निर्मला सीतारमण जी मुझे बता रहे थे तमिलनाडु के सारे व्यंजन हमारे काशी के भाई बहनों ने बहुत मौज से खाए हैं और तमिल से आए हुए भाइयों बहनों ने काशी की चाट को भी बखान बखान कर खाया है. இங்கே தமிழ்நாடு உறவு வழங்கப்பட்டதை காசியில இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உண்டார்கள் என்றும், தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வந்தவர்கள் காசியினுடைய இந்த வடநாட்டு உறவை மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு உண்டார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்கள். வாஸ்துகலா, சாகித்யம், வியாபார், சிக்ஷா, कला, नृत्य, संगीत और भाषाओं के आदान प्रदान का एक अद्भुत मंच इस तमिल काशी तमिल संगमम बना. இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் ஆன்மீகம், பண்பாடு, கட்டுமானம், பொறியியல், கவிதை, இலக்கியம், வணிகம், கல்வி, கலை, நாட்டியம், இசை ஆகியவற்றுக்கான அமர்வுகள், इसी काशी तमिल संगमम ने पूरे उत्तर भारत और सभी भारतवासियों को ये जानकारी मिली है कि तमिल भाषा हमारी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है. வடக்கு பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு தகவல் தெரிந்திருக்கிறது. உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான மொழி தமிழ் மொழிதான் என்கிற தகவல் தான் அது. மித்ரோ, ஜப் இஸ் மந்த் பாரத் நாட்டியம் தேகா, கை லோகோ நே கே மன் மே சவால் உத்தா கி பாரத் நாட்டியம் தோ ஹம் ரோஜ் தேக்தே தே கே வோ தமிழ்நாடு சே ஹே. இங்கே இந்த மேடையிலே பரதநாட்டியத்தை பார்த்தவர்கள் சற்றே மனதிற்குள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பரதநாட்டியத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம், ஆனால் அது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்ததா இவ்வளவு நாள் தெரியவில்லையே என்பது போல அவர்கள் வியந்தார்கள். சாரே के अलग अलग पहलुओं को दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक दूसरे को जानने का यह प्रयास हुआ है और इस प्रयास ने आज तमिलनाडु को एक संदेश दिया है. मैं भी ये संदेश देना चाहता हूँ तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को. आइए, पूरा भारत आपका हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार. முழுமையான நாடும் ஒன்றுதான் என்பது இப்போது புரிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வடக்கு மாத்திரம் அல்ல, உத்தரப்பிரதேச மாத்திரம் அல்ல, நானும் சேர்ந்து ஒரு வரவேற்பை தருகிறேன். வாழ்க்கை இந்த நாடு முழுமையும் ஒன்றுதான் என்பதை உணருங்கள். உத்தர பூர்வத்திலிருந்து குஜராத் தக், குஜராத்திலிருந்து பங்காள் தக், பங்காளத்திலிருந்து கேரள தக் ये महान देश मेरे तमिल भाइयों का स्वागत करने के लिए हृदय से तैयार. गुजरात तरह गुजरात बंगाल बंगाल பார்ப்பதற்கு வாருங்கள், உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று பாரத சகோதர சகோதரிகளுக்கு அழைப்பு விடுகிறேன்.
इसको आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं। विश्वास और प्रेम में एक समानता, दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया। विश्वास अगर अर्जित करना है तो विश्वास रखना चाहिए, प्रेम अगर प्राप्त करना है तो प्रेम करना चाहिए। और आज इस काशी तमिल संगमम ने इन दोनों संस्कृतियों के बीच में विश्वास और प्रेम का एक नया माहौल खड़ा करने का काम किया है। मैं मानता हूं इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि। मित्रों, नई शिक्षा नीति में देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषा और संस्कृति के माध्यम से इस देश के आध्यात्मिक गौरव, इस देश की ज्ञान परंपरा और इस देश के विद्यार्थी जो आधुनिक ज्ञान को प्राप्त कर समग्र विश्व के अंदर, विश्व के मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करने वाले हैं, इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं की। நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஞான பரம்பரையை, இந்த நாட்டினுடைய ஆன்மீக தெளிவை உணர்ந்து உலகத்திலேயே நம்முடைய பாரத தேசம் தலைமை நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த நாடு தன்னுடைய ஆன்மீக பரம்பரையினாலும் ஞான பரம்பரையினாலும் உயர்த்தோக்கி செல்கிறோம். ये नई शिक्षा नीति की आत्मा है हमारी अपनी भाषा है, हमारे अपनी भाषा का गौरव। इसलिए मोदी जी ने इस शिक्षा नीति में आग्रह से कहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में उनके बहुत परिश्रम के साथ किए हुए प्रयास के कारण अब धीरे धीरे नई शिक्षा नीति नीचे तक परकोलेट कर चुकी है। मैं आज इस मंच से फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार को अपील करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और लॉ के एजुकेशन की भाषा तमिल माध्यम में हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे तमिल भाषा को और मजबूती मिलेगी। நம்முடைய கல்வி பரம்பரையின் வழியாக, நம்முடைய கல்விக் கொள்கையில் தாய்மொழி வழியாக கல்வி இருக்க வேண்டும் என்பதை பாரத பிரதமர் மிகவும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான் தாய்மொழி வழியாகத்தான் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புதிய கல்விக் கொள்கை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. நாம் இப்போது இந்த தருணத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கல்வி, தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் சட்ட கல்வி ஆகியவை தாய்மொழி வழியாக, தமிழ் மொழி வழியாக இருக்க வேண்டும். மிஸ்டர் வந்துமே, மே இத்தனை ஹி கேனா சாத்தா ஹூ, மேரே பியாரே தமிழ் பாய் பெஹன் ஜோ யஹான் பர் ஆயே ஹேன், யஹான் சே கங்கா ஜல் ஏக் லோட்டி மே பர் கர் ஜாயியேகா, ராமேஸ்வரம் பர் அபிஷேக் கரியேகா, ஔர் ஃபிர் ஜப் ஆயே தப் ராமேஸ்வரம் கி மிட்டி கங்கா காட் பர் லேகர் ஆனா। मैं भी वादा करता हूं, मैं जब रामेश्वरम आऊंगा गंगा जल लेकर अभिषेक करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से एक बार मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वागत हो इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया है। पूरे भारत को देखिए, जानिए और अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। वणक्कम, नमस्कार, हर हर महादेव। गृह मंत्री अमित शाह
को आपने सुना, आजादी के कई वर्षों तक पुनर्जागरण नहीं हुआ था, देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही। काशी तमिल संगम में संस्कृतियों का मिलन हुआ है, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है, देश की सभी संस्कृतियां एकजुट रहे, सभी एक दूसरे को जाने, संस्कृतियों का मिलाप हो, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।